तेलंगाना में दलित पति पत्नी के साथ दरिंदगी। पति पत्नी को पेड़ से बांधकर लटकाया। काले जादू का आरोप लगाकर किया ये हाल। ये तस्वीरें आजादी के अमृत महोत्सव के माथे पर बदनुमा दाग हैं। ये तस्वीरें भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं। ये तस्वीरें जाति प्रधान देश के जातीय चरित्र को नंगा कर देती हैं। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दलितों के साथ हो रही बेरहमी को पूरी दुनिया के सामने रख देती हैं। तंत्र मंत्र और जादू टोने करने के शक में एक दंपत्ति के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। उन्हें पेड़ से बांधकर खतरनाक तरीके से लटका दिया गया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट मंडल क्षेत्र में एक घटना ने सभी को चौंका दिया। यहां के कोल्लूर गांव में यादिया और श्यामल्ला नाम के पति और पत्नी को कुछ ग्रामीणों ने मिलकर तंत्र मंत्र और काला जादू करने के आरोप में जमकर पीटा और फिर इसके बाद उन्हें पेड़ से हाथ पैर बांधकर लटका दिया। गांव वालों का कहना है कि यादिया हर छोटी छोटी बात पर सभी से लड़ा करता था और तंत्र मंत्र का डर दिखाता रहता था। यही नहीं, वो जादू टोना करके लोगों को खत्म कर देने का डर भी दिखा देता था। गांव वालों ने गांव में हुई एक मौत के लिए यादैया और श्यामल्ला को जिम्मेदार ठहराया और फिर उनके साथ जो किया वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों पति पत्नी को बेरहमी से पीटा गया, उन्हें पेड़ पर रस्सी बांधकर लटका दिया गया और सबके सामने बेइज्जत किया गया। गनीमत है कि इन दोनों की जान बच गई। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। इस वारदात का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच की बात कह रही है, लेकिन इस घटना ने तेलंगाना में दलितों की दयनीय हालत के बारे में कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है। जिस तेलंगाना में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है, उसी तेलंगाना में बाबा साहेब की संतानों के साथ इस तरह का सलूक होना तेलंगाना की KCR सरकार की कलई खोलने के लिए काफी है। ये साबित करता है कि तेलंगाना सरकार दलितों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी वहां कोई खौफ नहीं है। जातिवादियों के दिल में कानून का कोई डर नहीं है, वरना वो इस तरह की हरकत करने से पहले कई बार सोचते। दलितों को टारगेट करना वैसे भी बहुत आसान होता है। कभी उन्हें काला जादू करने वाला कहकर पीट दिया जाता है तो कभी उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दलित आसान शिकार होते हैं क्योंकि सत्ता और सिस्टम उनकी अनदेखी करता है। तेलंगाना का ये मामला भी इसी बात का पक्का सबूत है। सवाल उठता है कि दलितों के साथ ये दरिंदगी आखिर कब तक होती रहेगी। सवाल तेलंगाना सरकार पर भी है कि क्या वो इस मामले में दलितों को इंसाफ दिला पाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो वीडियो के अंत में आपके लिए एक अपील भी है। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।